इस वक्त उस वैन के ऊपर हैं जिसके अंदर शाह महमूद कुरैशी हैं, और ये वैन वर्कर्स को लेके अंदर जा रही है। इस वक्त शाह महमूद कुरैशी है इस वैन पे, और पीछे रह गई है आबादी। देखें पीछे, आप दिखा सकें अगर मिर्ज़ा साहब, सोहेल साहब, सोहेल साहब क्या हाल है आपके? सोहेल साहब आपके क्या हाल है? फास्ट बॉलर हैं, इंडिया में परफॉर्म कर चुके, इमरान खान साहब के करीबी दोस्त रहे। सोहेल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, आज बहुत खुशी महसूस हो रही है फहद भाई कि हम लोग इमरान खान अपने लीडर के कहने पर गिरफ्तारी दी है हम लोगों ने। अच्छा, खान तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार, खान तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा। तो कहाँ से चले हुए आप? हम लोग जी चेरिंग क्लास से चले हैं फहद भाई, और रास्ते में बड़ी रुकावटें हुई हैं, लेकिन हम लोगों ने कोई हिम्मत नहीं हारी। अल्लाह की मेहरबानी से आज हम अपने कप्तान के हुक्म के मुताबिक अपनी गिरफ्तारी दी है, और इंशाल्लाह ताला खान साहब ने कहा तो कब्र तक जाएंगे। सेंट्रल जेल लाहौर ये पहुंच गए जी, कोट लखपत जेल है, और कोट लखपत जेल में इस वक्त एंट्री मिलने लगी है इन सारे लोगों को, और ये अंदर जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी इस वैन में मौजूद हैं, और सारे बाकी लोग जो हैं वो सारे मौजूद हैं। मजीद हालात भी दिखाने लगे हैं, आप हमारे साथ रहिए। पुलिस ने कहा है कि टीम तमाशा जो है वो गाड़ी से नीचे उतरे, चूके आप देख रहे हैं सूरत हाल आपके सामने। हम जेल के अंदर मौजूद हैं, एक दरवाज़े की कमी है सिर्फ, आप दिखा सकते हैं सूरत हाल। और यहाँ पुलिस है, पुलिस की नफरी है, और तहद नज़र आप देखें जो कोट लखपत जेल है उसका ये आखिरी दरवाज़ा है जो एंट्रेंस है, और इसके बाद फिर जेल और सारा सिलसिला है। और इसके बाद की सूरत हाल भी आपको दिखाई, गेट पे तरीके इंसाफ के बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो खड़े हैं, यहाँ पुलिस के जवान सुबह से जो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं वो थके हारे इस वक्त और काम अपना कर रहे हैं। लेकिन आपको बता ये रहे हैं कि अब ये सुनसान सड़क उस दरवाज़े पर जाएगी, अपना कोट लखपत जेल के उस दरवाज़े पर जहाँ आपको तरीके इंसाफ के वर्कर्स की जो है वो इस्तकबालिया नज़र आया था, या हमाद अज़र साहब नज़र आए थे जिनसे हम बात कर रहे थे, उनकी गाड़ियां साइड पे रह गई, और प्रोग्राम तमाशा की टीम मिर्ज़ा साहब जो हैं वो और हमारी टीम यानी प्रिजन वैन के ऊपर सवार होके तो यहां तक पहुंची, जहां पुलिस ने फिर कहा कि आप अब कैदी ना बन जाइएगा, आप वापस चले जाएँ। वापसी का सफ़र अब जारी है, सुनसान एरिया है ये सारा, अगर आप दिखा सकें तो ये सारे खेत हैं, इधर इधर कुछ बिल्डिंग्स हैं जिनके अंधेरे में ये सफ़र करते हुए आपको फिर भी दिलकश लगती है, लेकिन इस वक्त अच्छा खासा ये यहाँ हुक आलम है, दूर गाड़ियों की लाइटें दिखाई दे रही हैं। यानी कोट लखपत जेल का जो दाखिली दरवाज़ा है वो तकरीबन आप कह लें कि किलोमीटर तक का सफ़र है कम अज़ कम, और उसके बाद उसके बाहर वाला दरवाज़ा है, फिर फाटक वाला गेट है जहाँ से दो आप बैरियर क्रॉस करते हैं, और ये फाइनल एंट्री थी जो आपको दिखा रहे थे। और ये बड़े अच्छे बॉलर थे, पाकिस्तान के लिए खेले, कौमी टीम के लिए ये खेले, और इमरान खान साहब के दोस्त भी थे सोहेल साहब जिनसे हम बात कर रहे थे, वो भी कैदियों वाली गाड़ी के ऊपर सवार थे। असद उमर साहब से हम बात कर रहे थे, असद उमर कह रहे थे कि इलेक्शन जो है उन्हें रोकना मुमकिन नहीं रहा, मुश्किल हो जाएगा इलेक्शन को रोकना, पॉसिबल नहीं है। मेरे मिर्ज़ा साहब जो हैं ये बड़े एक्सपर्ट कैमरामैन हैं, और ये बैक फुट पे चल रहे हैं स्पोर्ट के बगैर, और ये चलते जा रहे हैं, और इनका इतना इसमें प्रैक्टिस है इनकी, और इतनी इन्होंने मशक कर रखी है इस काम में कि ये बड़े अच्छे से निभाते हैं इस तरह के मुश्किल टास्क जो भी अपने व्यूअर्स तक हम लेके आते हैं। ये अब गाड़ियाँ देखें, पुलिस की गाड़ियाँ सारी लोकल गाड़ी, आपको इधर इस हदूद में लोकल बंदा लोकल गाड़ी कोई आपको नज़र नहीं आएगी। मज़ीद हालात भी आपको दिखाते हैं गेट से बाहर ले जाके हमारे साथ रहिए। ये वो दाखिली दरवाज़ा है जहाँ पब्लिक सारी रोक ली जाती है, और सिविलियन अलाउ भी नहीं है, और सिविलियन यहाँ आते जाते भी नहीं। उस तरफ दिखाएं मेरे कैमरामैन साहब, ये पुलिस की गाड़ियाँ हैं, और वो जो फाइनल लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं उससे भी आगे जाके फिर कोट लखपत जेल की हदूद जो है वो शुरू हो जाती है। ये फाटक है, ये फाटक वाला गेट मशहूर है, और इंडस्ट्रियल एरिया है ये सारा, और इस एरिया में कोट लखपत जेल का
ये देखें, एक बैरियर ये लगा, एक पीछे लगा और एक थर्ड बैरियर और चौथी एंट्री थी जहाँ मेरे कैमरामैन जो हैं वो अंदर मौजूद थे। ये पुलिस की भारी नफरी अपने फ़राइज़ जो है उसका सर अंजाम दे रही है। सुबह से पुलिस वाले भी साथ हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं और वर्कर्स भी तहरीक इंसाफ के वो उस पार खड़े हैं।